अरे दोस्तों, मैं आज की स्टूडियो में आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से एक कॉपीराइट फ्री इमेज एंड वीडियो डाउनलोड टूल क्रिएट कर सकते हैं पिक्साबे एपीआई की हेल्प से। सबसे पहले आपको गूगल में पिक्साबे एपीआई सर्च करना है और अब आपको पिक्साबे की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको ज्वाइन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप कंटिन्यू विद गूगल या कंटिन्यू विद फेसबुक भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे मैन्युअली अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम डाल देता हूँ, आप कुछ भी यूज़र नेम डाल सकते हो। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है और उसके बाद आपको यहाँ पे एक पासवर्ड सेट कर लेना है। आपको ध्यान रखना है कि आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा सॉल्व करना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। अब आपकी ईमेल पर एक कंफर्मेशन ईमेल जा चुकी है। अब आपको न्यू टैब में अपनी ईमेल आईडी ओपन कर लेनी है। यहाँ पर आपको अपनी एक्टिवेशन लिंक को ओपन कर लेना है, जो आपको पिक्साबे वेबसाइट की तरह से एक एक्टिवेशन ईमेल आई है। और यहाँ पर आपको इसे वेरीफाई कर देना है इस पर क्लिक करके। इतना करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर आप इसे अपनी डिटेल ऐड कर सकते हो, यूज़र नेम, प्रोफाइल पिक आप यहाँ पर इसे चेंज कर सकते हो। अब आपको सिंपली इस पेज को रिफ्रेश करना है। जो आपका पिक्साबे एपीआई डॉक्यूमेंटेशन पेज है, आपको सिंपली इसे रिफ्रेश करना है। अब आपकी एपीआई की जनरेट हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर एक यूआरएल मिलेगा, आपको इस यूआरएल को यहाँ से कॉपी कर लेना है। अब सिंपली आपको यहाँ पे अपने कोड में स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट करना है और स्क्रिप्ट टैग को क्रॉस कर देना है। हम इसी स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है वो लिखेंगे। हम यहाँ पर फेच एपीआई का यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पे सबसे पहले अपना फेच एपीआई लिखेंगे, जिसकी मदद से हम यहाँ पे अपना टूल क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे फेच ब्रैकेट्स, और यहाँ पर हम दो कोमा देंगे। इस कोमा के अंदर ही हमने जो लिंक कॉपी किया था उसे पेस्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे डॉट देन फंक्शन रिस्पॉन्स। ये हमारा फेच एपीआई का सिंटैक्स है, तो हम इसे यहाँ पे लिख लेंगे।
अभी हम हमारा फेच चिप है क्या साइंटिक्स से हम इसे लिख रहे हैं। अब हमें सिंपली ये करना है कि जो हमारा फेच जो हमने यहाँ सबसे ऊपर फेच लिखा है हमने इस लिंक को यहाँ से कॉपी कर लेना है। और इन दो कोमा के अंदर इसे पेस्ट कर देना है। अब आपको उस कोड को सेव कर देना है और अब मैं आपको इसे ब्राउजर में रन करके बताता हूँ। जैसे कि मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो कंसोल डॉट लॉग में हमारे पास यहाँ पर एरे ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो रहा है और इसके अंदर यहाँ सारी डिटेल शो हो रही है। तो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब हमें सिंपली करना ये है कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो हमने यहाँ पे URL पेस्ट किया है यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ लिखा है येल्लो फ्लावर। तो यहाँ पे येल्लो फ्लावर है जो ये कीवर्ड है तो इसी कीवर्ड का ही हमें रिजल्ट डिस्प्ले कर रहा है। तो हम सिंपली अब इस कीवर्ड को यहाँ पे डायनेमिकली पास करेंगे। तो हमें यहाँ पे सिंपल सा एक इनपुट फील्ड बना देते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट और इसकी हम ID यहाँ पे वर्ड देते हैं। आप कुछ भी ID दे सकते हो। अब हम यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। उस बटन के अंदर एक ऑन क्लिक इवेंट लगा देते हैं। लव हम यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख देते हैं। हम इस बटन का नाम सर्च देते हैं। अब जो हमने ऊपर यहाँ पे फंक्शन लिखा है फंक्शन का नाम लिखा है ऑन क्लिक इवेंट में हम इस फंक्शन को यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर क्रिएट कर लेते हैं और इसी फंक्शन के अंदर हमने सारे कोड को ऐड कर देते हैं। सबसे ऊपर इसे स्टार्ट करते हैं और सबसे लास्ट में इस फंक्शन को यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे वार वर्ड नाम से। आप किसी भी नाम से वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID वर्ड डॉट वैल्यू। अब हमने जो है वेरिएबल क्रिएट किया है हम इस वेरिएबल को हमारा जो फेच के अंदर URL लिखा है हमने हम यहाँ पर हमारा जो यहाँ पे ये लिखा है येलो फ्लावर हम इसकी जगह पर यहाँ पर अपने वेरिएबल को पास करवाएंगे। तो हम सिंपली यहाँ पर लिख देंगे डॉलर ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स और उसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ड जो हमने ऊपर वर्ड वेरिएबल क्रिएट किया है और हम यहाँ पर कोमा की जगह वेक्टिक्स कर देंगे। वेक्टिक्स सबसे स्टार्टिंग में और सबसे लास्ट में वेक्टिक कर देंगे। अब हम इस कोड को सेव कर देंगे और अब मैं आपको इसे ब्राउज़र में रन करके बताता हूँ। जैसे कि अब मैं यहाँ पे सिंपली कुछ भी लिखता हूँ जैसे मैंने यहाँ पे कोरोना लिखा और सर्च पर क्लिक किया तो आप देख रहे हो कि मेरे पास यहाँ पे कोरोना की जितनी भी इमेज है उसका रिजल्ट आ चुका है। एक ऑब्जेक्ट के अंदर हीट और हीट के अंदर ये सारे मेरे पास यहाँ पर इमेजेस आ रही है। अब जैसे मैं यहाँ पे नेचर लिखता हूँ और सर्च के बटन पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर नेचर से रिलेटेड जितनी भी इमेजेस होगी वो यहाँ सारी इमेज यहाँ पर आ जाएगी।
जैसे कि मैंने नेचर लिखने के बाद सर्च पर क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे नेचर से रिलेटेड ट्रीज, फॉरेस्ट सारी इमेजेस यहाँ पे आ रही है, हमारे कंसोल डॉट लॉग में आ रही है। अब हमें सिंपली करना ये है कि हम इस इमेज को अपने ब्राउज़र में डिस्प्ले करवाना है। उसके लिए हमें सिंपली करना ये है कि जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे हिट्स एरे है और इसके अंदर हमारा यहाँ पे जो इमेजेस का यूआरएल है, लार्ज इमेज यूआरएल, इस पैरामीटर के अंदर हमारे पास यहाँ पे इमेज का यूआरएल डिस्प्ले हो रहा है। तो हम सिंपली इसे यहाँ से कॉपी कर लेंगे लार्ज इमेज यूआरएल को और यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे वार var और इसे पेस्ट कर देंगे और इक्वल टू डाटा डॉट हिट्स, जो हमारा हिट्स एरे है इसी के अंदर हमारा सारा रिजल्ट है और हमने इसका जो इंडेक्स नंबर 0 दिया डॉट लार्ज इमेज यूआरएल कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर हम लार्ज इमेज यूआरएल को पेस्ट कर देंगे। अब मैं इसे आपको सेव करके दोबारा से इसे रन करके बताता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख के सर्च करता हूँ तो आप देख रहे हो कि मेरे पास यहाँ पे नेचर की इमेज आ गई जिसका इंडेक्स नंबर 0 होगा। तो आप देख रहे हो कि परफेक्टली वर्क कर रहा है। लेकिन जैसे कि हमारे पास अगर हमें कभी भी इमेज को डिस्प्ले करवाना होता है तो उसके लिए हमें जो इमेज का यूआरएल होता है उसे वेरिएबल के अंदर से पास करवाना होता है, इमेज टैग के अंदर से पास करना होता है। तो हम सिंपल यहाँ पे वार इमेज नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, उसके अंदर हम इमेज टैग लिखते हैं img सोर्स प्लस, अब जो हमारे ऊपर लार्ज इमेज यूआरएल है हम उसे इस इमेज टैग के अंदर से पास करवाएंगे और अब हमें इसे जैसे ब्राउजर में रन कराना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और इसके अंदर हम यहाँ पे एक आईडी दे देंगे रिजल्ट। हम इस आईडी को अभी क्रिएट करेंगे इनर html इक्वल टू img जो हमने ऊपर img वेरिएबल क्रिएट किया है। अब जो हमने यहाँ पे रिजल्ट आईडी दी है हमें इस आईडी को यहाँ पे क्रिएट भी करना होगा तो यहाँ पे सिंपली मैं एक ड्यू क्रिएट कर लेता हूँ जिसकी मैं आईडी यहाँ पे रिजल्ट देता हूँ। अब हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो इस ड्यू आईडी रिज़ल्ट के अंदर डिस्प्ले होगा। तो अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी सर्च करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रीज सर्च किया तो आप देख रहे हो कि हमारे पास यहाँ पे ट्रीज की इमेज आ रही है, इसकी हाइट और विड्थ काफ़ी ज़्यादा आ रही है, हम इसे भी सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कोरोना लिखता हूँ, सर्च के बटन पर क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हो कि मेरे पास यहाँ पे कोरोना वायरस रिलेटेड इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो हम इसकी जो हाइट और विड्थ है इस इमेज की सेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें सिंपली अपने वार img वेरिएबल के अंदर इसकी हाइट सेट कर देनी, जो भी आप हाइट देना चाहते हो। जैसे कि मैं इसकी हाइट यहाँ पे 300 देता हूँ और इसकी विड्थ 400 देता हूँ। अब मैं इसे रिफ्रेश करके यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे मैंगो लिखा और सर्च किया तो आप देख रहे हो कि मेरे पास यहाँ पर इससे रिलेटेड इमेज आ रही है। जैसे मैंने यहाँ पे ऑरेंज लिखा सर्च किया तो आप देख रहे हो कि मेरे पास ऑरेंज टाइप में इमेज आ रही है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ तो मेरे पास उसी से रिलेटेड इमेज आ रही है। तो आपने देखा कि परफेक्टली वर्क कर रहा है। इस तरह से आप अपना कॉपीराइट फ्री इमेज फाइंडर टूल क्रिएट कर सकते हो। आप इसमें फोर लूप या फोरिच लूप भी लगा सकते हो जिससे होगा ये कि आपके पास जितनी भी इमेजेस होगी, जैसे कि आपने यहाँ पर कोरोना वायरस सर्च किया तो कोरोना वायरस रिलेटेड तो आपके पास ये सारी इमेज यहाँ पे डिस्प्ले होगी। मैंने जैसे यहाँ पे इंडेक्स नंबर 0 दिया है हिट्स में डाटा डॉट हिट्स 0 तो इसका
कारण हमारे पास सिंपली जो जिसका इंडेक्स नंबर जीरो है वही इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अगर यहाँ पे आप इंडेक्स नंबर वन कर दो तो आपके पास अलग इमेज डिस्प्ले होगी, इंडेक्स नंबर टू कर दो तो अलग इमेज डिस्प्ले होगी। अब जैसे कि मैं यहाँ हेडिंग टैग के अंदर इसे कॉपीराइट फ्री इमेज हेडिंग दे देता हूँ, सेव करता हूँ और अब इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख रहे हो कि अभी देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च करूँगा नेचर और सर्च के बटन पर क्लिक करूँगा तो आप देखो कि मेरे पास यहाँ पर नेचर से रिलेटेड इमेज आ जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी कॉपीराइट फ्री इमेज फाइंडर टूल API की मदद से क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च करता हूँ तो आप देख रहे हो कि मेरे पास उससे रिलेटेड रिजल्ट मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इस तरह से आप इजीली एक कॉपीराइट फ्री इमेज फाइंडर टूल क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि हमने ये इमेज फाइंडर टूल क्रिएट किया इसी तरह हम एक वीडियो फाइंडर टूल भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली पिक्साबे API डॉक्यूमेंटेशन के पेज में स्क्रॉल नीचे करना है। यहाँ पर आपके पास इमेज रिट्रीविंग वीडियो अबाउट्स, आपको यहाँ पर वीडियो रिट्रीव करने के लिए URL आएगा, आपको इस URL को यहाँ से कॉपी कर लेना है। आपको सिंपली करना ये है कि जो आपने फेच के अंदर यहाँ पर एक URL को पेस्ट किया है यहाँ से रिमूव कर देना है। और अब जो आपने URL कॉपी किया था उसे यहाँ पे पेस्ट कर देना है और इसे सेव कर देना है। आप यहाँ पे देख रहे हो येलो फ्लावर जो आपके पास है ये वर्ड है जिसे सर्च किया जा रहा है, तो हम इसे डायनेमिकली पास करेंगे। तो इसके लिए हमें सिंपली यहाँ पे लिख देंगे डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, हम यहाँ पर वर्ड जो हमारा वेरिएबल इसे पास कर देंगे। और जो हमने यहाँ पर नीचे इमेज को डिस्प्ले कराया था हम इसे यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब सिंपली हमारा जो फेच API है उसके अंदर हमने बस URL पास किया है वीडियो रिट्रीव करने के लिए। अब इस कोड को सेव करके मैं आपको इसे ब्राउज़र में रन करके बताता हूँ। मैं अपना इसे राइट क्लिक करके console.log ओपन कर लेता हूँ। कंसोल मैंने अपना ओपन कर लिया है। यहाँ पर जैसे कि कुछ भी हम यहाँ पर सर्च करेंगे तो हमारे पास उससे रिलेटेड रिज़ल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे हिट एरे के अंदर हमारे पास सारा रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है। आप सिंपली देख रहे हो कि हिट एरे के अंदर आपके पास यहाँ पे एक वीडियो ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर आपको अलग लार्ज मीडियम और स्मॉल में वीडियो का URL डिस्प्ले हो रहा है। अब हम सिंपली आप देख रहे हो कि जो वीडियोस है वीडियोस के अंदर हमारे पास यहाँ पर लार्ज मीडियम और स्मॉल तीन अलग अलग फॉर्मेट में वीडियो का URL डिस्प्ले हो रहा है। जो हमारा हिट्स एरे है इसी एरे के अंदर हमारा जो वीडियो ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो रहा है।
और आप इसे देख रहे हो यहाँ पे लार्ज स्मॉल मीडियम आपको आज तीन अलग अलग क्वालिटी में वीडियो का URL डिस्प्ले हो रहा है। आप इन अलग अलग तीन अलग अलग फॉर्मेट में वीडियो को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे वार मीडियम नाम से, आप किसी भी नाम से वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पे हम लिखेंगे डाटा डॉट जो हमारा हिट्स एरे है, इसी के अंदर हमारा जो वीडियोस ऑब्जेक्ट है, तो हमें यहाँ पे लिखना है डाटा डॉट हिट्स। हम इसका यहाँ पे इंडेक्स नंबर 0 दे देंगे, आप यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी दे सकते हो। डॉट वीडियोस डॉट मीडियम। अब मैं आपको इसे कंसोल डॉट लॉग करके बताता हूँ। अब इस कोड को सेव करता हूँ और इसे आपको ब्राउज़र में रन करके बताता हूँ। अब जैसे आप यहाँ पे कुछ भी लिखते हो, जैसे मैंने यहाँ पे नेचर लिखा और सर्च के बटन पे क्लिक किया, तो आप देख रहे हो कि मेरे पास यहाँ पे नेचर से रिलेटेड वीडियो आ चुकी है। अब जैसे कि हमें इस वीडियो को अपने ब्राउज़र में डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए हमें सिंपली यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा वार VID, जिसे हमें इमेज को डिस्प्ले करने के लिए इमेज टैग का यूज़ करना पड़ता है। इसी तरह हम वीडियो को डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे एक एम्बेड टैग का यूज़ करना है, एम्बेड सोर्स इक्वल टू। अब हम इसके अंदर से जो हमारा मीडियम वेरिएबल है इसे पास करवाएंगे, प्लस मीडियम। हम इसके हाइट और विड्थ भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसे जैसे ब्राउज़र में रद्द करवाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID रिजल्ट। जो हमारी रिजल्ट ड्यू है, हम उसके अंदर इस वीडियो को डिस्प्ले करवाएंगे, तो हम यहाँ पे रिजल्ट लिखेंगे डॉट इनर HTML इक्वल टू VID, जो हमने VID वेरिएबल क्रिएट किया है। अब हम इस कोड को सेव करके कर देंगे, उसके बाद मैं आपको इसे ब्राउज़र में रन करके बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रीज लिख के सर्च किया, तो आप देख रहे हो कि मेरे पास यहाँ पे ट्रीज रिलेटेड ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो रहा है उसका रिजल्ट, लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो वीडियो है वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही ब्राउज़र पे। जैसे मैं यहाँ पे कोरोना लिखता हूँ तो सर्च करता हूँ, अभी भी आप देख रहे हो कि हमारे पास सिंपली ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन हमारे पास ये वीडियो डिस्प्ले नहीं हो रही है। हमने इस कोड में थोड़ी सी कोई एरर आ रहा है, तो चलिए हम इस एरर को सॉल्व कर लेते हैं। मैं दोबारा से इस कोड को सेव करता हूँ और इसे मैं आपको दोबारा से ब्राउज़र में रन करके बताता हूँ। जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, सर्च के बटन पर क्लिक करता हूँ, तो हमारे पास ओनली ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे वीडियो है वो डिस्प्ले नहीं हो रही है। तो हम सिंपली इस ऑब्जेक्ट को मैं आपको इसे चेक करके बताता हूँ। जैसे कि मैं इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करता हूँ, अब इस एरे पर क्लिक करता हूँ, तो आप देख रहे हो कि जो हमारे पास यहाँ पे वीडियोस का ऑब्जेक्ट है, इसमें जो हमारा लार्ज मीडियम स्मॉल है उसके अंदर एक URL पैरामीटर है, तो हमें इस URL पैरामीटर को भी लिखना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो जो हमने ऊपर लिखा है मीडियम डाटा हिट्स डॉट वीडियो डॉट मीडियम, हमें मीडियम डॉट URL करना होगा। अब मैं इस कोड को सेव करता हूँ और इसे आपको दोबारा से ब्राउज़र में रन करके बताता हूँ। अब मैं जैसे यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखा कोरोना, सर्च के बटन पे क्लिक किया, तो आप देख रहे हो कि मेरे पास यहाँ पे वीडियो डिस्प्ले हो रही है। कोई भी यूज़र से राइट क्लिक करके सेव एज करके डाउनलोड कर सकता है। अब देख रहे हो कि हमारा टूल परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ब्लैक फंगस और सर्च के बटन पे क्लिक किया, तो आप देख रहे हो कि मेरे पास अब ब्लैक फंगस से रिलेटेड वीडियो आ रही है।
जो कि बहुत ही अच्छे से वर्क कर रही है। तो आप देख रहे होंगे कितना इंटरेस्टिंग टूल है, मैं आपको इसे थोड़ा जूम करके बताता हूँ। आप भी इस तरह से अपने लिए एक कॉपीराइट फ्री इमेज एंड वीडियो डाउनलोड टूल क्रिएट कर सकते हैं एपीआई की मदद से। जैसे कि मैं यहाँ पर फ्री इमेज की जगह वीडियो फाइंडर टूल कर देता हूँ। अब जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिवर और सर्च के बटन पर क्लिक करता हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे पास जो रिवर है, रिवर से रिलेटेड वीडियो आ चुकी है और ये बहुत ही परफेक्टली वर्क कर रही है। लेकिन जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारे पास, हम यहाँ पे कुछ भी सर्च करते हैं तो हमारे पास सिंपली ओनली वन वीडियो आती है। इसका कारण ये है कि हमने यहाँ पर जो इंडेक्स नंबर है वो हमने जीरो दिया है, तो जिसके कारण कोई भी रिजल्ट डिस्प्ले होता है तो उसके पास जो जिसका भी इंडेक्स नंबर जीरो होता है उसी की वीडियो हमारे पास डिस्प्ले होती है। आप यहाँ पर फॉर लूप या फॉर ईच लूप या फॉर इन लूप का यूज़ कर सकते हो, जिसका यूज़ करके आपके पास यहाँ पर जितनी भी वीडियो माउंटेन से रिलेटेड होगी सारी डिस्प्ले होगी। जो भी आप कीवर्ड लिखोगे, जैसे आप यहाँ पे ट्रीज लिखते हो तो जैसे ट्री से रिलेटेड जितनी भी वीडियो होगी आपके पास वो सारी वीडियो डिस्प्ले होगी। जैसे मैं यहाँ पे कोरोना लिखता हूँ, सर्च करता हूँ, मैसेज रिफ्रेश करता हूँ, दोबारा से यहाँ पे लिखता हूँ कोरोना और सर्च करता हूँ, तो आप देख रहे हो कि मेरे पास यहाँ पे कोरोना से रिलेटेड जितनी बार मैं सर्च कर रहा हूँ हर बार मेरे पास एक ही वीडियो आ रही है। ट्री लिखता हूँ, सर्च करता हूँ, तो आप देख रहे हो मेरे पास ट्री से रिलेटेड एक ही वीडियो आ रही है। जैसे मैंने यहाँ पे ब्लैक फंगस लिखा, सर्च किया, तो आप देख रहे हो मेरे पास यहाँ ब्लैक फंगस से रिलेटेड वीडियो आ रही है। लेकिन मैं जितनी बार सर्च करता हूँ ओनली मेरे पास ये वन वीडियो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो इसके लिए हम सिंपली फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं या हम यहाँ पे रैंडम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं var i इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर मैथ डॉट रैंडम। हम यहाँ पे मैथ डॉट रैंडम का यूज़ करके जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर रैंडम इमेज डिस्प्ले होगी, इमेज या वीडियो डिस्प्ले होगी। हम यहाँ पे मैथ डॉट रैंडम लिखेंगे और उसके बाद मल्टीप्लीकेशन डाटा डॉट हीट्स, जो हमारा डाटा डॉट हीट्स है ये हमारा रिजल्ट बताता है कि हमारे पास कितना रिजल्ट है। डाटा डॉट हीट्स डॉट लेंथ, पहले ये जितनी भी इसकी लेंथ होगी हमारे रिजल्ट की उसी लेंथ के अंडर हमारे को ये रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। तो हमने जो यहाँ पे आई वेरिएबल क्रिएट किया है हम इसे यहाँ पे जीरो की जगह आई कर देंगे। अब ये होगा कि हमारे पास हर बार रेंडम इमेज यहाँ पर, रेंडम वीडियो यहाँ पर डिस्प्ले होगी। तो जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ ट्री और सर्च के बटन पर क्लिक करता हूँ, तो आप देख रहे हो कि मेरे पास यहाँ पे ट्री से रिलेटेड वीडियो आ रही है। और लेकिन जितनी बार मैं सर्च के बटन पर क्लिक कर रहा हूँ हर बार मेरे पास यहाँ पे रैंडम ट्री से रिलेटेड वीडियो डिस्प्ले हो रही है। तो आप देख रहे हो कि हमारा टूल कितना परफेक्टली वर्क कर रहा है। जब भी मैं यहाँ पर ट्री या कुछ भी कीवर्ड डालता हूँ और सर्च के बटन पर क्लिक करता हूँ तो हर बार मेरे पास यहाँ पर रैंडम वीडियो डिस्प्ले हो रही है। तो आप भी इस तरह से इस पिक्सावे एपीआई का यूज़ करके इस तरह अपने लिए कॉपीराइट फ्री इमेज एंड वीडियो डाउनलोडर वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कोरोना लिखा, उसके बाद सर्च के बटन पे क्लिक किया, मैं जितनी बार सर्च के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो कि मेरे पास यहाँ पर हर बार डिफरेंट कोरोना से रिलेटेड वीडियो डिस्प्ले हो रही है। कोई भी यूज़र आपके वेबसाइट पर आकर राइट क्लिक करके सेव करके
इस तरह की वेबसाइट क्रिएट कर सकता है। आपको सिंपली करना ये है कि आपको पिक्साबे API ओपन करके इस पे एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है, जिससे आपको एक API की मिल जाएगी और उसके बाद आप इस तरह की वेबसाइट क्रिएट कर पाओगे।